दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आज ही खोला है और इस पे मेरे ब्लॉग्स आएंगे और आपको वो पसंद भी आएंगे। तो दोस्तों, आज मेरा पहला ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। वो ब्लॉग है खैरा दाई के ऊपर और हमारे गांव की मावली के ऊपर। तो चलो दोस्तों, आज कुछ नया देख लेते। लेकिन ये खैरा दही है, ये मावली है, ये सबको मालूम है। सॉरी, सबको मालूम नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर गांव में ऐसी खैरा दही होती है, इसको हम लोग मराठी लोग मावली बोलते हैं और कोई और नाम है। तो ये जो देवी है, ये जो माता है, इनकी इनकी जब पूजा होती है, वो शादी के पहले या गाँव में अगर किसी को बुखार आए या कोई रोग आए तो इसकी पूजा होती है। इसका पानी उसको पिलाया जाता है और वो इंसान अच्छा भी हो जाता है। इसका नाम मावली नहीं है, तो ये हमारी खैरा दाई माता है। ये आप सब देख लो, ये खैरा दाई माता ये गांव की रक्षा करती है। किससे? जो हम रोग बीमारी कुछ भी हो जाए तो ये खैरा दाई हमारी रक्षा करती है। इसके इसलिए हर गांव में इसका एक मंदिर होता है, इसका एक थाना होता है। मंदिर बोलने से थाना होता है और हर आदमी इसकी पूजा करता है, इसका जल पीता है, इसको चढ़ावा चढ़ाता है। तो ये हमारे गांव का है, जो दानापुर में, दानापुर का पूरा आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये खैरा दाई, इनका नाम खैरा दाई है। ये भीमाल पेन की छोटी बहन है। अभी आने वाले चैत्र महीने में पूर्णिमा को भीमाल पेन का जन्म हुआ था, तो उस दिन भीमाल पेन की पूजा होती है। जो भीमाल पेन गाँव के बाहर रहते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ। लेकिन और पूर्णिमा जाने के बाद जो पंचमी आती है उस पर खैरा दाई की पूजा होती है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में कि लोग अंधश्रद्धा बोलते हैं, वो अंधश्रद्धा नहीं है, ये खैरा दाई है। ये हमारा रोगों से रक्षण करती है। और आप भी अगर देखो कि माता हो गई या बुखार हो गया, तो आपकी भी माँ जो है वो खैरा दाई के पास इसका जल लेके आती है और हम पीते हैं। तो दोस्तों, ये खैरा दाई का है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत लोगों को पता नहीं था, तो मैंने बता दिया। और मुझे लगा कि ये मावली पे या खैरा दाई पे अपने को वीडियो बनाना चाहिए। बहुत लड़के थोड़े से कन्फ्यूज़न में, तो ये कन्फ्यूज़न आप देख लीजिएगा। खैरा दाई है और ये रोगों से निवारण करती है, ये ना अंधश्रद्धा है, ये गोंडियन लोगों की माता है, जो भीमाल बेन की छोटी बहन। तो दोस्तों, फिर चलते हैं अपने घर में, उसके बाद बात करेंगे। सभी दोस्तों का जय सेवा, मैं राहुल करना के। दोस्तों, अभी मैं ये खैरा दाई के ठाने से मैं यहाँ आया हूँ। तो दोस्तों, आज का पहला ब्लॉग, इस चैनल का पहला ब्लॉग यही मैं बना रहा हूँ कि दोस्तों, हमको अगर हमारे लोगों का, हमारे देवी देवताओं का अगर इतिहास मालूम नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मालूम होगा।
दोस्तों मैं छोटे छोटे जो बात है, जो गांव की देवियां हैं, जो कई स्पॉट है, वहीं पे जाता रहूंगा, वहीं से ब्लॉग बनाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे है। मेरे ब्लॉग के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसे ब्लॉग मिलते रहे इसके लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय सेवा, जय गुरुद्वारा, जय जोहार।